पिछले एक माह से अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने और पूरा करने की मांग में मंगलवार को आखिरकार पटवारी संघ ने भी अपना बस्ता तहसील कार्यालयों में जमा कराते हुए अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल पर चले गए। इसके कारण अब जिले भर के सभी पटवारी सदस्य अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। इससे ग्रामीण स्तर, विभागीय स्तर पर राजस्व संबंधित लंबित प्रकरणों के निराकरण पर एक बार फिर से रुकावट उत्पन्न हो गई। बताया जा रहा है कि पिछले एक माह के दौरान पटवारी संघ के द्वारा अपनी 3 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए तहसील स्तर से लेकर जिला स्तर तक ज्ञापन सौंपते हुए मांगों को पूरा किए जाने की मांग की गई थी। इसे अनसुना करने पर विरोध स्वरूप पटवारी संघ ने अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल का फैसला लिया है। ज्ञापन में पटवारियों का वेतन मान ग्रेड पे 2800 करते हुए समय मान वेतन विसंगतियों को दूर करने, इसके साथ ही गृह जिले में पद स्थापना करने, पति पत्नी जो भी कर्मचारी हैं उन्हें एक ही जिले में पदस्थ करने और पटवारियों के लिए CPCT परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता को समाप्त किए जाने की मांग ज्ञापन में की गई है। पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर 2 माह हो चुके हैं पटवारी को चरणबद्ध आंदोलन करते हुए, और 10 तारीख से मतलब 15 दिन से पटवारी कलमबंद हड़ताल पे हैं, ठीक है। लेकिन आज तक मध्य प्रदेश शासन के कान पे पटवारियों की समस्याओं को लेकर के जू नहीं रंगी है। पटवारी दिन रात किसानों भाइयों के बीच में शासन की हर योजना का जो अपने प्राथमिक आधार पर उसके क्रियान्वयन सफल क्रियान्वयन में पटवारी की मुख्य भूमिका होती है।